आचार्य जी ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग भैया बहन, आई एम आशुतोष आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर सीतामढ़ी। हम लोग चैप्टर 11 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1-4 या 5 तक पढ़े थे। उसमें स्क्वायर से जो रिलेटेड था उसको हम लोग नहीं सॉल्व कर पाए थे, जो रेक्टेंगल से रिलेटेड था उसको कर लिए थे। तो आज हम लोग जो स्क्वायर से रिलेटेड है उस पर विचार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखें कि कैसे उसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि यह आपका स्क्वायर है, मैं कह रहा हूं मान लीजिए, सपोज दैट, हो सकता है कि रेक्टेंगल हो क्योंकि मैं मेजरमेंट नहीं लिया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसे ध्यान दीजिएगा। तो यह यदि ए है, यह यदि ए है, यह यदि ए है, यह यदि ए है, तो हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ बाउंड्री जो होता है, तो पेरीमीटर यदि सम ऑफ ऑल साइड्स है, पेरीमीटर जो है वह सम ऑफ ऑल साइड्स है, और चूंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ सम ऑफ ऑल साइड्स है, यहाँ मैं ए प्लस ए या साइड ही लेता हूँ, अगर ए लेता हूँ तो ए प्लस ए प्लस ए सब फोर बार है, तो ए प्लस ए टू ए प्लस ए थ्री ए प्लस ए फोर ए हो गया। अर्थात तो यदि मैं ए लेता हूँ तो फोर ए हो गया। यदि मैं साइड लेता, यही यहाँ ए नहीं करके मैं सपोज करिए यहाँ मैं लिखता हूँ साइड प्लस साइड, यहाँ यदि मैं लिखता हूँ साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यदि ऐसा मैं लिखता हूँ तो फोर साइड है, 1 2 3 4, इसलिए 4 × साइड भी हम लोग कह सकते हैं। या तो हम लोग 4a कह दें 4a, या 4 × साइड कह दें, 4 × s कह दें, 4 × l कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा 4 × साइड। अब कि पेरीमीटर फर्स्ट जो है सेकेंड है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज गिवन देन वन साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 4, पेरीमीटर बाय 4। इस प्रकार हम लोग यदि पेरीमीटर निकालना है तो 4 × साइड हो जाएगा, और इन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज गिवन देन वन साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 4 हो जाएगा। अब हम लोग एरिया से रिलेटेड एरिया पे आते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर थर्ड नंबर में आते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू आप कह सकते हैं साइड इंटू साइड, अर्थात साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। इफ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गिवन, then one side is equal to root under area, या area का square होता है। If में diagonal diagonal of the square इक्वल टू होता है √2 × साइड, इफ डायगोनल इज गिवन गिवन देन वन साइड इज इक्वल टू डायगोनल बाय √2। इस प्रकार जो इससे रिलेटेड फॉर्मूला था
तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि आपको एरिमीटर दिया हुआ है, तो कहता है एरिया निकालो। सर्वप्रथम यदि एरिमीटर दिया हुआ है तो हम लोग वन साइड निकालेंगे, और वन साइड जो साइड निकल जाएगा तो एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालने की परीक्षा। क्वेश्चन नंबर टू है, इफ फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्ट हुज पेरिमीटर इज 320 मीटर। पर मैं लिख देता हूं फॉर ए स्क्वायर पार्ट, और ए स्क्वायर पार्ट पेरिमीटर इज इक्वल टू 320 मीटर, वन साइड इज इक्वल टू व्हाट? वी नो दैट वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू पेरिमीटर बाय 4, पेरिमीटर बाय 4, पेरिमीटर है 320 मीटर बाय 4, बट ये बदल हो जाएगा 80 मीटर, अर्थात वन साइड आ गया आपको 80 मीटर। निकाला है एरिया ऑफ द स्क्वायर, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। वन साइड इज इक्वल टू 80 मीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? वी नो दैट एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, और इज इक्वल टू 80 मीटर का होल स्क्वायर। 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 6400 मीटर स्क्वायर, 6400 SQ मीटर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही सॉल्यूशन। इस प्रकार आपने देखा कि पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम लोग वन साइड निकाल दिए, और चूंकि वन साइड दिया हुआ है तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो 80 मीटर का होल स्क्वायर किए तो 6400 मीटर स्क्वायर, या उसी को हम लोग लिखते हैं 6400 SQ मीटर। इस प्रकार हम लोग वो उसका एरिया निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट इज द सेम एज अ एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्ट इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्ट इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इज 90 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। इसमें आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट जो है वह सेम है रेक्टेंगुलर पार्ट का, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्ट इज 60 मीटर। एक स्क्वायर पार्ट है, उसका जो साइड है वो 60 मीटर है, और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका लेंथ दिया हुआ है आपको 90 मीटर, तो दोनों का एरिया हमको निकालना पड़ेगा। तो फॉर ए स्क्वायर पार्क, फॉर ए स्क्वायर पार्क यहाँ वन साइड दिया हुआ है, फॉर ए स्क्वायर पार्क स्क्वायर पार्ट वन साइड इज इक्वल टू 60 मीटर, वन साइड इज इक्वल टू 60 मीटर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? वी नो दैट एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर 60 मीटर का होल स्क्वायर।
3600 मीटर। अब इसके आगे है, पहले ही कह रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर, जितना एरिया स्क्वायर पार्क का है उतना ही एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का, दोनों सेम है। हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is equal to area of the square park. Square park और area of the rectangular park जो है वह square park का जो area है 3600 मीटर square है, अर्थात जो area of the rectangular park जो हो गया वो हो गया 3600 मीटर square। इस rectangular park का जो area है वो दिया हुआ है और उसका लेंथ भी आपको दिया हुआ है, लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू है आपको 90 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू है 90 मीटर। अब लेंथ यदि 90 मीटर है तो हमको निकालना है ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट, ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाय लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था 3600 मीटर स्क्वायर बाय 90 मीटर, मीटर मीटर से मीटर स्क्वायर जो कैंसिल हो गया 1070 9436 और 0 अर्थात ब्रेथ जो हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। इसका जो पूछा जा रहा है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, देयरफॉर या सो द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क is equal to 40 meter रिक्टेंगुलर। तो आंसर है इसने दिया था दो पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दोनों का एरिया सेम है और उस स्क्वायर पार्क का वन साइड दिया हुआ है 60 मीटर, इसे इसका एरिया निकाल दिए, इसका जो एरिया है वो 3600 मीटर स्क्वायर आ गया। और तो दोनों जो कि सेम है, इसे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू हो गया 3600 मीटर स्क्वायर, लेंथ दिया हुआ 90 मीटर, तो वी नो दैट इफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड लेंथ इज गिवन देन फार्मूला ऑफ ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाय लेंथ और 3600 मीटर स्क्वायर अपॉन 90 मीटर, मीटर स्क्वायर का जो स्क्वायर और मीटर से कैंसिल हो गया 90 में 3600 में 90 से डिवाइड किया तो 40 आ गया, अर्थात यह इसका जो ब्रेथ होगा वो 40 मीटर आ गया, सो द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 40 मीटर हो गया। तो कारण हम उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग विचार करें, कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 मीटर, इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 cm फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 मीटर, और रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल
perimeter is equal to 130 cm है और breadth 30 cm है। length निकालना, length is equal to what? We know that if perimeter and breadth is given, then the formula of length is equal to perimeter by 2 minus breadth. We know that length is equal to perimeter by 2 minus breadth 130 cm by 2 minus 30 cm 130 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 होगा, 65 minus 30 is equal to 35 cm, अर्थात इसका लेंथ हो गया 35 cm। एक तो इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, एक यदि हम चाहें तो विदाउट यह फॉर्मूला लगाए हुए भी हम निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं वैसे पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर है 130 cm, 2 इंटू एल प्लस बी, बी का वैल्यू है 30 cm और 130 cm इज इक्वल टू 2l प्लस 60 cm और 130 cm माइनस 60 cm इज इक्वल टू 2l और 2l इज इक्वल टू 70 cm और l का वैल्यू निकालते हैं तो 70 cm बाय 2 अर्थात 35 cm और l का वैल्यू आ जाएगा 35 cm। इस प्रकार भी हम लोग चाहें तो l का वैल्यू निकाल सकते हैं, वैसे आप फॉर्मूला के आधार पर निकालते हैं, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो l का वैल्यू हमको आ गया 35 cm। अब हियर लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन, सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल is equal to L into B, L 35 cm into B है 30 cm, तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 1 10, 0, 1050 cm square area हो गया। इसे पूछ रहा था कि find its length, तो length हो गया 35 cm and also find the area of the rectangle और area हो गया therefore the area of the rectangle, therefore the area of the rectangle is equal to 1050 cm square and length is equal to 35 cm। इस प्रकार हम लोग इसको आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि a dude of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. Find the cost of white washing the wall if the rate of the white washing the wall is rupees 20 per meter square. So last question को देख लीजिए। Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए आप वॉल है, इसमें गेट लगा हुआ है, दूर है वो 2 मीटर और 1 मीटर का है, Thank you.
वॉल का जो लेंथ है वह है 4.5 मीटर, इसका जो लेंथ है 4.5 मीटर है और ब्रेथ जो है वह है 3.6 मीटर का है और इसका जो है यह 1 मीटर है और यह जो दिया हुआ है वह है 2 मीटर। तो पूरा का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ द वॉल आप निकालेंगे, एरिया ऑफ द वॉल निकालेंगे और वॉल लेंथ इज इक्वल टू 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3.6 मीटर, एरिया एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी 4.5 मीटर इंटू 3.6 मीटर, मल्टीप्लाई करिएगा तो 4.5 इंटू 3.6 है 6 5 30, 6 4 24 और 3 27, 3 5 15, 4 3 12, 12 और 1 13, 0 5 1 6 1 2 1, अर्थात 16.0 मीटर स्क्वायर इस पूरे वॉल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ द होल वॉल, एरिया ऑफ द होल वॉल आ गया आपको 16.20 मीटर स्क्वायर। और फॉर डू एल इज इक्वल टू 2 मीटर, बी इज इक्वल टू 1 मीटर, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी 2 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। और यह जो दूर है उसका एरिया आ गया 2 मीटर स्क्वायर। अब दूर को छोड़ के जो शेष वॉल है, एरिया ऑफ द वॉल रिमेनिंग द दूर, एरिया ऑफ द वॉल रिमेनिंग द दूर इज इक्वल टू 16.2 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14.2 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ 16.20 है, यहाँ मैंने 16.2 ही लिखा, लास्ट में 0 है, यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए 16.2 आप लिख सकते हैं, अर्थात 16.2 माइनस 2 14.2 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब चूंकि इसमें कॉस्ट कहता है क्या खर्च आएगा, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, देयरफोर द कॉस्ट ऑफ White washing the wall at the rate of the wall, rate of white washing is 20 per meter square is equal to rupees 20 into 14.2 में आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, 2 2 4 2 4 8 2 1 2 0 4 8 2 1 2 184, अर्थात सॉल्यूशन जो हो जाएगा 284 आंसर आएगा। इस प्रकार यह एक्सरसाइज 11.1 समाप्त होता है। तो हम लोग होमवर्क लिख लेंगे, HW सॉल्व एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 to 8। मेनी मेनी थैंक्स, सेस नेक्स्ट वीडियोज में।